लंबे तनाव के बाद रूस ने गुरुवार सुबह 5 बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया। धमकाने वाले अंदाज में बोले कि रूस और यूक्रेन के बीच किसी ने भी दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उनका इशारा अमेरिका और नाटो फोर्सेस की तरफ था। इस बयान के 5 मिनट के भीतर यूक्रेन में राजधानी कीव समेत कई प्रांतों में 12 धमाके हुए। राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक भी हुआ। वहाँ एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इस कदम के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू मिशन को भी रोकना पड़ा। यूक्रेन गई एयर इंडिया की फ्लाइट खतरे के अलर्ट के चलते वापस लौट आई। हमले का यूक्रेन ने भी जवाब दिया और रूसी विमानों को मार गिराया। यूक्रेन ने कहा कि हम इस हमले का जवाब देंगे और इस जंग को जीतेंगे। यही वक्त है कि जब पूरी दुनिया को रूस को जवाब देना चाहिए और उसे रोकना चाहिए। थोड़ी देर बाद यूक्रेन ने एक और बयान जारी किया। यूक्रेन ने कहा कि हम पर 3 तरफ से रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर की ओर से हमला हुआ है। लुहांस्क, खार्किव, चेर्निव, सुमी और जेटोमेर प्रांतों में हमले जारी है। यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़े अहम अपडेट्स। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने लुहांस्क में 5 रूसी एयरक्राफ्ट और 1 हेलीकॉप्टर मार गिराया। यूक्रेन ने कहा हम पर 3 तरफ से रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर की ओर से हमला हुआ है। यूक्रेन से भारतीयों को लाने गई एयर इंडिया की फ्लाइट वापस लौट आई है। फ्लाइट को नोटिस टू एयर मिशन यानी नोटम भेजा गया था, यानी फ्लाइट के दौरान खतरे की आशंका जाहिर की गई थी। यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू यानी वहाँ की कानून व्यवस्था अब सेना ने अपने हाथों में ले लिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में कई जहाजों पर बम धमाके हुए हैं। कीव एयरपोर्ट को खाली कराया जा रहा है।